नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर, इस माह की 13 अप्रैल से रमजान शुरू हो रहे हैं और मुस्लिम समुदाय द्वारा रमजान में नमाज के बाद तरावी शुरू होती है, लेकिन दिनांक 9 अप्रैल 2021 रात्रि 9 बजे से रात 6 बजे तक लॉकडाउन लगने जा रहा है, जिसको रात 9 बजे की जगह 11 बजे कराने के लिए पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल पार्षद मंजूर बदर की अगुवाई में अपर जिलाधिकारी प्रशासन से मिला, जिसमें जामा मस्जिद कमेटी के प्रबंधक मौलाना फरीद भी उपस्थित रहे। पत्रकारों से बात करते हुए मौलाना फरीद ने कहा कि रमजान और तरावी को देखते हुए नाइट कर्फ्यू को रात 9 बजे की जगह 11 बजे किए जाए, इससे तरावी भी लोग आराम से पढ़ लेंगे। पार्षद मंसूर बदर ने कहा कि ईशा की नमाज अधिकांश मस्जिदों में 8:30 बजे रात को होती है और तरावी पढ़ने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, इसलिए नाइट कर्फ्यू को रात 9 की जगह 11 बजे करने से लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने अपील की कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को अपने काम करने चाहिए। अपर जिला अधिकारी प्रशासन ने हमें विश्वास दिलाया कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। NBD से शारिक जफर की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जी, मेरा नाम मंसूर बदर है, मैं यहीं पार्षद हूँ। ये मेरे साथी पार्षद हैं और हमारे साथ मौलाना फरीद मजारी साहब हैं, जामा मस्जिद के जिम्मेदार। हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय के पास इसीलिए हमारा आना हुआ, ADM साहब, ई साहब प्रशासन हमें मिले और हमने पूरे शहर की ओर से, ज़िले की ओर से रिक्वेस्ट की कि जो नाइट कर्फ्यू है, कोविड 19 की सेकेंड वेव चल रही है, उसके मद्देनज़र आज से नाइट कर्फ्यू का ज़िला प्रशासन की ओर से ऐलान है और 12 से तरावियाँ स्टार्ट हो जाएंगी और 8:30 बजे मैक्सिमम मस्जिदों में नमाज होती है, ईशा की नमाज, और उसके बाद 1.5 से 2 घंटे में तरावी होती है। हमारी रिक्वेस्ट है ज़िला प्रशासन से कि इस टाइम को 10:30 बजे करा दिया जाए, जिससे लोगों को तरावी में सहूलियत मिले, इसीलिए आना हुआ हम सब लोगों का। जी, मैं मोहम्मद फरीद मजाहिरी, प्रबंधक जामा मस्जिद सहारनपुर। जैसा कि मंसूर भाई ने कहा कि हम लोग सिर्फ इसीलिए हाजिर हुए थे कि कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए साहब से दरख्वास्त की गई है कि बजाय 9 के 10:30 तक का ऐलान कर दें, ताकि रमज़ान जो शुरू हो रहा है उसमें तरावी में हमारे सहूलियत हो जाए और कोविड 19 के उस पर नियमों पर भी पालन हो जाए और हमारी तरावी भी हो जाए। ये हमने दरख्वास्त की।